गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो नाउ वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। HTML के बारे में हम पढ़ रहे थे। इन प्रीवियस वीडियोस हमने क्या किया था, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। नाउ बेटा, देयर इज अ टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट। जो लिस्ट हमने बनाई थी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। The CSS list properties allow you to beautify your list। कहते CSS में आप अपनी लिस्ट को और भी ब्यूटीफुली कर सकते हो, क्योंकि CSS क्या है बेटा, जिसमें आप अपने वेब पेज को स्टाइल्स प्रोवाइड करते हो। सिंपल HTML में ये प्रॉपर्टीज नहीं लगती, CSS इसको ये प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि लिस्ट आइटम मार्कर फॉर ऑर्डर एंड अनऑर्डर, ऑर्डर एंड ऑर्डर के लिए आप जो लिस्ट आइटम के मार्कर है उसको बना सकते हो अपनी तरफ से, जैसे कि हमने स्क्वायर लगाया था, डिस्क लगाया था, रोमन नंबर लगाए थे। एंड कहते सेट एन इमेज एज अ लिस्ट आइटम मार्कर, एक इमेज को भी एज ए आप लिस्ट आइटम का मार्कर बना सकते हो। सो नाउ बेटा देखते हैं नीचे, ये एक टेबल है जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज बताई गई है लिस्ट के लिए। सबसे पहले लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल तो सब में लगेगा, तो पहले हमने क्या लगाना बेटा, इमेज। नानक लिखोगे तो कोई इमेज नहीं लगेगी, URL लिखोगे और उसके साथ फोटो का एड्रेस लगाओगे तो जो आपकी जगह बुलेट आता है या फिर स्क्वायर आता है उसकी जगह पे फोटो आने लग जाएगी। पोजीशन इनसाइड और आउटसाइड दे सकते हो। इनसाइड मतलब अंदर जाके आपके बुलेट्स आएंगे, आपको प्रैक्टिकल करवाओगे फिर पता लगेगा। आउटसाइड मतलब थोड़ा सा बाहर आते हैं बुलेट्स आपके। स्टाइल में टाइप देना हो आपको तो लिस्ट स्टाइल टाइप बहुत सारे हैं बेटा, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, डेसिमल, ये तो आपको पता ही, आप पहले भी आपने सीखा हुआ है। लोअर अल्फा, अपर अल्फा, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी आज। लिस्ट स्टाइल, स्टाइल मतलब सिंपल लिस्ट स्टाइल, टाइप, पोजीशन, इमेज, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप। ये आपका प्रोग्राम है जिसको आप नोटपैड पे टाइप करोगे। देखो इनसाइड यहाँ पे लगा है, आउटसाइड यहाँ पे लगा है, दोनों का फर्क देखो। इनसाइड मतलब थोड़ा सा आगे आके बुलेट आएंगे आपको, और आउटसाइड मतलब बाहर ही आ गए आपके ABC, मतलब इंटरनल लिस्ट और एक्सटर्नल लिस्ट लगा लो। इंटरनल मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, एंड एक्सटर्नल बाहर आ गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया बेटा, स्क्वायर लगाया था तो स्क्वायर में आ गया उसका स्टाइल, और उसके साथ उन्होंने पिक्चर दी थी। यहाँ पे पिक्चर विजिबल नहीं है बट फिर भी चलो हम देखते हैं आगे। यहाँ पे लोअर अल्फा लिया था तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर आ गया लोअर में। तो इसका प्रोग्राम यहाँ पे देखो, नोटपैड है बेटा, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है प्रोग्राम, मैं आपको दिखाती हूँ। HTML देखो, फिर बॉडी, फिर मैंने UL स्टार्ट किया मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें स्टाइल लगाया लिस्ट स्टाइल, स्क्वायर लगाया, इनसाइड लगाया। यहाँ पे आप इसके साथ स्पेस डाल के पिक्चर भी लगा सकते हो, पर मैंने सिंपल एक बार लगाया। यहाँ पे LI में तीन आइटम्स लिए हैं, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, और अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया, ये तो हमने पहले भी किया था। ऑर्डर लिस्ट में हमने लिस्ट स्टाइल टाइप कौन सी लगाई है बेटा, इसमें लोअर अल्फा, और लिस्ट स्टाइल पोजीशन कौन सी ली है बेटा, आउटसाइड, पहले इनसाइड थी यहाँ पे आउटसाइड, और उसी तरह से लिस्ट आपने लगा दी दोबारा से। ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया, बॉडी को क्लोज किया, और एंड में HTML को क्लोज किया। सो नाउ बेटा इसको हम सेव करते हैं। अब मैंने देखो पहले ही ऑलरेडी नेम दिया हुआ है तो दोबारा नेम नहीं पूछेगा। हम इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप में ये देखो सेव हो गया, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये देखो आपके पास इसकी आउटपुट आ गई एज इट इज, उसी तरह से आई है जैसी आपकी बुक में दिखाई गई है। ये देखो ठीक है, ये दोबारा फिर देख लो, ये आउटपुट आई है। और जो यहाँ पे इमेज वाला टॉपिक था, आप इमेज को भी लगा के देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ। इमेज में यहाँ पे थोड़ा सा साइज बड़ा आ रहा था इसीलिए मैंने हटाई थी, पर फिर भी हम लगा लेते हैं। चलो URL ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल कॉमा लगाना है, और यहाँ पे इमेज का नेम, मेरे डेस्कटॉप पर FL नाम से इमेज है .jpeg के नाम से। फिर मैं इसका सिंगल कॉमा से इसको बंद करूँगी, फिर इसकी ब्रैकेट बंद करूँगी, बाकी सारा सेम ही था। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो हमारे आउटपुट थे हम उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने से देखो ये फोटो आ गई, देखो एक तरह से मार्कर है ये, दिल्ली के आगे आया है, फिर ये नोएडा के आगे आया है, एंड देन फिर ये कोलकाता के आ गया है। इसका हम साइज सेट करके इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से बड़े साइज में आपकी लिस्ट आपको अच्छे से डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इमेज को एक बार क्रॉस किया था, बाकी इनसाइड आउटसाइड का आपको समझ आएगी आप कर सकते हो इस तरह से। तो ये प्रोग्राम आपका डन है।
नेक्स्ट बेटा, बैकग्राउंड में अगर स्टाइल देना हो आपको तो वेरी इजी आप कैसे दे सकते हो। मैं इसके साथ ही एक और ऑर्डर लिस्ट बना देती हूँ, जैसे कि ओएल, इसमें मैंने क्या लगा दिया, स्टाइल जैसे लगाया हुआ इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड, कॉलर लगा के बैकग्राउंड लगा दिया हमने रेड, अब डबल कोट्स बंद किए एंड नीचे एल आई में आप क्या कुछ लिखना चाहोगे ये लिख लेते हैं बेटा, दिल्ली, एल आई क्लोज, देन एल आई, इसमें हमने लिख दिया नोएडा, एल आई क्लोज, देन अगेन एल आई, एंड यहाँ पे आएगा कोलकाता, कुछ भी लिख सकते हो आप, एल आई को क्लोज किया एंड एंड में आपने किस चीज को क्लोज करना है बेटा, ओ एल, कि ओ एल स्टार्ट किया था। देखो तीसरी लिस्ट बना दी हमने एक ही में, अगेन इसको बेटा सेव किया, सेव करने के बाद जाके प्रोग्राम में उसको रिफ्रेश करो। अब देखो जिस लिस्ट में हमने बैकग्राउंड लगाया है उस लिस्ट के बैकग्राउंड में कलर आ गया रेड, बाकी लिस्ट में नहीं आया क्योंकि हमने नहीं लगाया था, इसमें आ गया। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा नेस्टर लिस्ट। नेस्टर लिस्ट का क्या मतलब है, देखो नेम से पता लग रहा है, लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाना, अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट फॉर्म्स अ नेस्टर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना नेस्टर लिस्ट। व्हेन लिस्ट आइटम कंटेन्स अनदर एंटायर लिस्ट, जब एक लिस्ट आइटम अपने अंदर दूसरी लिस्ट को ले लेती है वो नेस्टिंग होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है बेटा आपको, अब हम इसको भी बना के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसी प्रोग्राम में चेंजेस कर देती हूँ बेटा, ये जो मैंने डिजाइन लिया था इसमें स्टाइल वगैरह वो हम हटा देते हैं, अनऑर्डर में ये ऊपर वाला भी देखो डिजाइन था ये जो जो हटा देते हैं, इसी में चेंजेस कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें देखो तीन आइटम्स दे दी हमने, ठीक है, इन्होंने दो दी है कोई बात नहीं। यहाँ पे UL को बंद नहीं करना क्योंकि इसके अंदर ही दूसरी लिस्ट बनानी है, और ये LI को भी बंद नहीं करना, इसके अंदर ही हमने दूसरी लिस्ट स्टार्ट कर ली बेटा UL, और उसके अंदर फिर तीन आइटम्स दे दिए हमने। हम यहाँ पे चलो सिटीज के नेम भी चेंज कर देते हैं, मुंबई, और एक हमने दे दिया सपोज हम बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में हैं तो बठिंडा लिख दिया, एंड देन हेयर इज क्या लिखोगे, चल दिल्ली लिख देते हैं, आने तो जो कराची लिखा हुआ है वहाँ पे वो लिख देते हैं कराची, ठीक है। यहाँ पे हमने इस लिस्ट को बंद कर लिया UL को, ठीक है। UL को बंद करने के बाद UL को बंद करने के बाद जो LI ऊपर छूट गया था बंद होने वाला वो यहाँ पे बंद करेंगे हम, LI को क्लोज किया, ठीक है बेटा। LI को क्लोज करने के बाद देखो ये वाला UL यहाँ पे बंद हो गया, पर जो सबसे ऊपर वाला UL था वो तो बंद ही नहीं हुआ, उसको नीचे बंद करेंगे आप। ये ध्यान रखना है आपने कहाँ पे फर्स्ट वाला क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे हमने बॉडी को बंद किया HTML, अगेन इसको सेव किया, नेम नहीं पूछेगा मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ था, नेम दिया हुआ था। मैं रिफ्रेश करूंगी तो आपको नेस्टर लिस्ट शो हो जाएगी, देखो आपको दिख रही है नेस्टर लिस्ट, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, मुंबई, बठिंडा एंड दिस, उनकी आउटपुट से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है हमें, चलो क्योंकि उन्होंने ये भी दिया हुआ है बांग्लादेश बाद में दिया है, मैं देना भूल गई है, हम ऐसा करते हैं कराची को बाद में दे देते हैं, ये दोनों चीजें कराची के ऊपर लगेंगी, फिर आ जाएगा यहाँ पे लगेंगी। अब देखो सेव किया, फाइल में जाके सेव, अब इसकी आउटपुट देखो यहाँ पे जाके ये आ गई बेटा आपकी आउटपुट, देखो लिस्ट के अंदर ही लिस्ट आ गई एंड देखो ये लिस्ट कंटिन्यूसली चल रही है, इसको कहते हैं बेटा नेस्टर लिस्ट। आई होप समझ में आया होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रैक्टिकल करके देखना है आपने, आप लिस्ट आइटम कोई भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये लिस्ट के टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस लिए बनाई जाती है, द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट विच कैन इंक्लूड टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, टर्म्स एंड देयर मतलब किसी चीज़ की डेफिनेशन देने के लिए हमें उसका टाइटल देना होता है, फिर उसकी डेफिनेशन देनी होती है, उसके लिए यूज होता है ये, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह देते हैं, डेफिनेशन लिस्ट भी कह देते हैं। एलिमेंट्स इन डेफिनेशन फॉर्म कैसे आएंगे, देखो तीन टैग यूज होते हैं इसमें, DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT डाटा टर्म एंड DD डाटा डिस्क्रिप्शन। तो इसका यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, देखते हैं बेटा।
ये आप खुद बनाओगे, मैं समझा देती हूँ। बॉडी में सबसे पहले कौन सी लिस्ट स्टार्ट की इन्होंने, डीएल लिस्ट। जैसे हम यूएल स्टार्ट करते थे, ओएल स्टार्ट करते थे, इसी तरह से डीएल। उसके अंदर हम एलआई में आइटम देते थे, अब हमें टाइटल देना है उसकी टर्म का, तो हम डीटी लगाएंगे। उसमें टाइटल दे दिया एप्लीकेशन प्रोग्राम, आप कोई भी टाइटल दे सकते, जिसकी भी आपको डेफिनेशन देनी है। जैसे आपने नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देनी है, आपने किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देनी है, उसकी हेडिंग लगा दीजिए डीटी बन। जब उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके लिए टैग लगेगा डीडी, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। देने के बाद उस डीडी को बंद कर दिया, ये देखो डीडी को बंद कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग देने के लिए फिर डीटी लगाया, बंद किया, और नेक्स्ट की भी डेफिनेशन दे दी और डीडी बंद कर दिया। एंड में आप लिस्ट को बंद करोगे डीएल को, बॉडी। तो आउटपुट किस तरह से आएगी देखो बेटा, ये आपका हेडिंग नेम, हेडिंग नेम की यहाँ पे डेफिनेशन, ये भी आपकी हेडिंग और ये भी आपकी डेफिनेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा डिस्क्रिप्शन किस तरह से शो हो रही है बेटा। इसका प्रैक्टिकल आप खुद करके देखोगे, और दिस इज योर होमवर्क। ये ट्रू फॉल्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। लाइव क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।